हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मार्केट स्ट्रेटजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और रोज़ की तरह हम जो स्टॉक देते हैं उसका क्या पोजीशन आया है और कल कौन सा स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे ये भी हम देख लेंगे। तो चलिए, पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, मेरा हिंदी कमज़ोर इसीलिए। और सेकंड जो बात है वो है जो फैंटास्टिक फोर का चार स्टॉक हम यूट्यूब में डालते हैं उससे ज़्यादा हमारा टेलीग्राम चैनल में उससे ज़्यादा स्टॉक देते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों के पास मिलता है। और उसके साथ टेलीग्राम में कुछ चार्टिंग का स्कैनर दिया हुआ है। और अगर आप लोग का कोई कमेंट आता है कि और भी डालना है, बहुत सारा है हमारे पास चार्टिंग का, तो हम और भी डाल देंगे। और सैटरडे या संडे में एक नई स्ट्रेटजी भी इंट्राडे के लिए आएगा। तो चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद करते ना हुए हम देख लेते हैं पहले कौन सा स्टॉक क्या काम किया है, आप लोगों का प्रॉफिट कैसा हुआ है या लॉस हुआ है। और उसके बाद देख लेंगे कि फ्राइडे 17 जनवरी फ्राइडे को कौन सा स्टॉक कहाँ पर लेवल निकल के आया है। तो चलिए, पहले हम ये जो देख रहा है ये USD INR का ट्रेड है। तो चलिए, ये आप लोगों का कुछ काम का नहीं है। पहले हम देख लेते हैं जाज डायल में दिया था, जाज डायल में तो सब हटा देते हैं पहले। जाज डायल में कितना 590 के ऊपर बाइंग था, पहला जो है 590 के ऊपर बाइंग था, 590 यहीं से बाइंग आया है। और इसका 10 रुपया मतलब 10 पॉइंट हमको टारगेट था। तो देखते हैं 10 पॉइंट कहाँ से मिलता है या नहीं। सॉरी दोस्तों, 590 और ये लगभग 6.5 पॉइंट आया है, उसके बाद ये साइडवेज हो गया है। तो साइडवेज होने से भी कुछ फ़ायदा है, लेकिन फिलहाल हम लोगों का 10 पॉइंट तो नहीं मिला, लेकिन 6.5 पॉइंट लगभग मिल गया है। ठीक है, तो और नीचे के साइड 572 तो आया नहीं। तो चलिए, ये 6.5 पॉइंट लेके हम खुश रहेंगे जस्ट टाइम में। तो उसके बाद आता है टाटा ग्लोबल बीवरेज। टाटा ग्लोबल में हम देख लेते हैं, ये देखिए, ये जो जगह है इसमें हम ट्रेड लिए थे और थोड़ा बहुत पॉइंट भी लिया है। तो पहले देख लेते हैं 396 के ऊपर, लेक स्टॉक तो ऊपर की साइड में गया ही नहीं, 396 मतलब नहीं आया। ठीक है, और 342 के नीचे सेल होगा, 342 शायद हमारा हो गया था। ठीक है, चलिए दे दिया। ठीक है, ये सेल साइड एक्टिवेट नहीं हुआ है। और उसके बाद आता है बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, अरे सर, बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड 100 के ऊपर बाइंग था, 100 नहीं गया, 99 तक गया है। और उसके बाद 93.5 ये भी नहीं आया, ये भी एक ही रेंज में फंस गया है। ठीक है, चलिए लॉस नहीं होगा। सिप्ला में हम देख लेते हैं क्या सिप्ला का बाइंग एक्टिवेट होगा 487 के ऊपर, 487
487 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं आया, नहीं होगा 487 के ऊपर नहीं आया, और नीचे के सेल साइड 474 से नहीं आया, ये भी नहीं आया। तो मतलब जस्टर में थोड़ा प्रॉफिट आया है 6.5 पॉइंट, और टाटा ग्लोबल में नहीं, ये भी नहीं आया। चलिए लॉस तो नहीं हुआ ना, इंटरडे का मूल जो बात है, असली बात है कि लॉस कम करना, ताकि कैपिटल जो है वो सेव करना पहला जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं, रोज तो हाई फाई प्रॉफिट नहीं देता, जैसा कि कल दिया था बहुत सारा प्रॉफिट दिया था, बहुत प्रॉफिट 32 पॉइंट्स लोगों को मिला था, मुझे भी मिला था। तो चलिए कल के लिए हम देख लेते हैं, पहला जो स्टॉक निकल के आया है माइंडट्री का, माइंडट्री का जो स्टॉक आया है वो 902 के ऊपर बाइक। चलिए लिख देते हैं रोज की तरह, बाइंग 902 के ऊपर, इसका एसएल आएगा 5.5 पॉइंट और इसका टारगेट आएगा 16, और सेल साइज एक्टिवेट होगा अगर 833 के नीचे ट्रेड आता है तो, मतलब स्टॉक आता है तो। लेकिन हमेशा एक बात की ध्यान रखिए कि अगर प्रॉफिट होता है तो कुछ प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरडे में कोई भरोसा नहीं होता। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो एटलीस्ट एंट्री पॉइंट में आप लोग स्टॉप लॉस को उठा के रख देना, ठीक है। चलिए और सेकंड जो स्टॉक आया है फैंटास्टिक फोर का, वो आया है उज्जीवन फाइनेंस। उज्जीवन को हम ट्रेड करेंगे अगर कहते हैं अगर 399 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम बाई लेंगे, और जिसका एसएल बनेगा 2.5 और टारगेट बनेगा 7.5 और सेल साइड एक्टिवेट होगा 335, ठीक है। तो बाई 399, एसएल 2.5, टारगेट 7.5 और सेल एक्टिवेट होगा 335 के नीचे। और थर्ड जो स्टॉक आया है वो है हैवेल्स का, हैवेल्स का जो स्टॉक निकल के आया है वो लगभग बाई आएगा 643 के ऊपर, जिसका स्टॉप लॉस होगा 4 का और टारगेट होगा 12 रुपये, ठीक है। और सेल एक्टिवेट होगा अगर स्टॉक 637 के नीचे ट्रेड करता है तो, क्लोजिंग होना ज़रूरी है दोस्तों, क्लोजिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। और फैंटास्टिक फोर का चौथा स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल, तो हम देख लेते हैं, आशा करते हैं कि कल भी आप लोगों का प्रॉफिट होगा, लॉस कम से कम ना हो, यही आशा करते हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल का जो बाइंग एक्टिवेट होगा वो आगा, बाइंग आएगा 540.5 के ऊपर और एसएल आएगा 3.5 और टारगेट आएगा 10 और सेल एक्टिवेट होगा 525 के नीचे, जिसका जिसका स्टॉप लॉस 3.5 होगा और टारगेट 10 होगा। तो मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, स्किप करके मत जाइए, कि इंट्राडे में बहुत ही रिस्की फैक्टर काम करता है। तो अगर आप लोगों का पकड़ के चलिए, मान के चलिए कि हम यहाँ पर सेल लिया है, ठीक है,
यहाँ पर सेल लिया है, और अगर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है तो हम इस स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस में डाल देंगे। ऊपर के बाइंग के साइड गया तो देखिए ये बाइंग साइड आया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद नीचे चला आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो ऐसा होने से स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उस हिसाब से हम स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके एंट्री प्राइस में डाल देंगे। तो इस काम से हमारा फायदा होगा कि लॉस हमारा नहीं होगा, ब्रोकर जो जाएगा ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका कमेंट के लिए हम वेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।